आदि आदि बेटा उठो, नमाज पढ़ लो, शाबाश। चलो शाबाश, उठो जल्दी, शाबाश जल्दी करो, शाबाश जल्दी जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब, यहाँ पर हो रही थी सहरी, और हया फातिमा सुबह सुबह उठ के पूरे घर में जो है वो घूम रही थी। वो सहरी नहीं करनी, ये क्या करे? हया फातिमा, आप तो ये क्या करे? अरे गैस का सिलेंडर तो हटाओ। हया फातिमा, ये आप क्या करे? हाँ, आपके थैलियां बेचती हो। और जनाब, सहरी करने के बाद मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी, और हादी भी जो है वो नमाज़ की तैयारी कर रहा था। वो रोज़े नहीं रखता, वो अभी उसने बस कभी कभी रख लेता है हमारे साथ। बाकी ये है कि हादियाँ माशाल्लाह से मेरे साथ सारे रोज़े रखती है। जब भी मैं रोज़ा रखूँ तो मेरे साथ वो ज़रूर रखती है। और अभी जो है वो रजब और शाबान में जितने भी मैं रोज़े, मतलब माशाल्लाह से मेरे साथ ही रख रही है जितने भी मैं रोज़े रख रही हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोग बहुत क्या देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। सो गाइज, आज है बुध, और अभी मम्मा ने हम सब ने रोज़ा रख लिया है, और अब हादी जो है वो नमाज़ पढ़ेगा। हमने भी नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा रोज़ा भी हो गया, मैंने अपना सबक भी याद कर लिया है, और अब हादी को बस नमाज़ पढ़नी है। और अब हम लोग थोड़ी देर सो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अब मदरसे भी जाना है, फिर अब हम उस टाइम पर उठेंगे। सब लोग क्लियर, अल्लाह हाफिज़। अम्मा, हया फातिमा से बात करवाऊं? अच्छा, हया फातिमा से? किसका फोन है हया फातिमा? किसका फोन है? आपा किससे बात कर रही हैं? अम्मा, अच्छा अम्मा हया फातिमा से बात करवाऊं? हाँ अम्मा है। अम्मा क्या बोल रहे हैं? हाँ अल्लाह, अम्मा याद आ रही हैं आपको? अम्मा याद आ रही हैं? और ये याद रखिएगा कि इसी में ही आते हैं अम्मा का फोन, और किसी में नहीं आता है ना, इसमें आते ना। चलो आज अम्मा को फोन करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा अम्मा, हया फातिमा से बात करोगे? हाँ हाँ, दो उसको। अच्छा, ये लो, है फिर अम्मा से बात। अम्मा अम्मा, तो जनाब यहाँ पर जो है वो रात की बची हुई दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने आज ऐसे कहा कि चलो इफ्तार का टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ, इसमें कुछ कबाब बना लेती हूँ। तो दाल जो है वो थोड़ी सी, तो मैंने उसमें जो है वो आलू मैश करके डाल दिए थे, और ऊपर से मैंने जो है वो इसमें चिकन टिक्का मसाला जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका स्टफिंग बहुत अच्छी बन गई थी, मिक्सचर इसका। और जनाब यहाँ पर एक चूल्हे पर मैंने चाय पकाने रख दी थी, क्योंकि चाय जो है वो मुझे रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा नीड होती है। चाय, बस कोई जल्दी से चाय दे दे, तो इस वजह से मैंने पहले ही चाय बना लेती हूँ। रमज़ान में भी मैं इसी तरह करती हूँ। और यहाँ पर एक तरफ जो है वो ऑयल गर्म हो रहा था कबाब के लिए। अच्छा, ये कबाब है ना, इसमें जो अंडा और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगती है, तो ये हादी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हादी जो है वो अंदर की जितनी भी इसकी स्टफिंग होता है ना, वो हमें जो है वो दे देता है, कहता है ये आप खा लो, और बाहर का जितना भी इसका जो होता है ना अंडा और इसके ऊपर आमीज़ा लगा हो और ब्रेड क्रम्स होती है, वो सख्त चीज़ जितनी भी होती है वो सारी वो खा लेता है। इसी तरह जो है वो रोल और समोसे वगैरह हो तो उसमें भी हादी इसी तरह से करता है कि अंदर की जितनी भी स्टफिंग होती है वो हमें दे देता है, और कहता है ये जो है ना ऊपर का मैं खाऊंगा। तो ऊपर की जो वो पपड़ी सी, मतलब जो बनी हुई होती है ना मांडे की, वो जो है वो बहुत शौक से वो खाता है, पट्टियों का जो होता है। और कबाब में भी उसका यही है कि उसको मैं, हम लोग उसको बड़ा उसको टोकते हैं कि इस तरह मत किया करो, लेकिन वो जो है वो अंदर का जितना भी हो वो कहता है कि ये मुझे नहीं खाना है, ये अंदर का आप लोग ले लो, ये ऊपर का जितना भी है ना वो सब मुझे दे दो।
जनाब मैंने यहाँ पर कबाब बना लिए, तो एक तरफ मैंने जो है वो थोड़े से पापड़ बना लिए थे, मैं और हादिया ही थे, और कबाब मैंने थोड़े से ये भी बनाए थे। मैंने कहा तो फिर हस्बैंड आएंगे तो फिर हादी और हस्बैंड के लिए जब बनाऊंगी तब बाद में खाएंगे, क्योंकि फ़ौरन ना इफ्तारी के बाद नहीं खाया जाता, थोड़ी देर बाद जो फिर दोबारा भूख लगती है। अभी हम लोग रोज़े की तैयारियाँ कर रहे हैं, अभी आसान देर में, और अभी हम लोग टेबल वगैरह सब लगाएंगे, उसके बाद स्नैक्स आएंगे। और अभी लाइट नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, टाइम है लाइट के जाने का, फिर भी क्या करें, रोज़ा तो खोलना है ना भाई हमें, तो चलें अब हम लोग जाते हैं स्नैक्स तैयार करते हैं, तो चलें चलते हैं मम्मा, देखते हैं कि हम हमारी मम्मा जो है वो क्या बना रही हैं। चलें आज हैं, आज क्या है इफ्तारी के लिए? बेटा आपके लिए मैंने कबाब बनाए हैं और स्नैक्स बनाए हैं, अम्मा आए थे तो वो पैटीज दे के गए हैं, मैंने आपके लिए रखे हैं, और वो बाबा के लिए मैंने रख दिए थोड़े, और आपका फेवरेट बन कबाब, बाबू भाई के बन कबाब अम्मा लेकर आए हैं, मैंने बोला हादिया का रोज़ा है तो फिर बात। अच्छा मैं इसमें से ये आप खा लेना, ये बाबा के लिए रख देती हूँ, ठीक है? बाबा शौक से खाते हैं ना। तो जनाब मैंने थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया था, और इसके ऊपर ना हादिया चाट मसाला लगा के खाती है पापड़ के ऊपर बहुत शौक से, तो मैं उसके लिए जो वो चाट मसाला लगा रही थी, तो मुझे कहती है मैं जूम करके वीडियो बनाऊंगी, मैंने कहा बना लो। और ये जो है वो पैटीज और कबाब बन कबाब जो हमारे यहाँ के फेमस बन कबाब है, वो जो है वो हादिया की दादी जो इनकी अम्मा है वो लेकर आई थी। उन्होंने जो है वो कभी भी मेरा थोड़ा सा दूर एरिया है पुराने घर से, तो इनकी दादी जब भी आती हैं तो वो इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हैं, यहाँ तक कि जो हया फातिमा है उतनी छोटी सी है, तो हया फातिमा के लिए जो हया फातिमा खाती है उसके लिए वो भी ज़रूर आता है। तो बस जब इनकी अम्मा आती हैं तो इनकी ईद हो जाती है, तो पैटिस वगैरह और ये बन कबाब जो है वो वहाँ के बहुत फेमस है, जहाँ पर मेरा प्रीवियस घर था, तो पुराना घर था, प्रीवियस घर कह रही हूँ, तो पुराना घर जहाँ पर था, तो वहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। तो दोपहर से वो जो है वो देकर आई थी, क्योंकि वो दोपहर तक ना वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो दोपहर से जो है वो इनकी जो है वो दादी देकर गई थी, तो मैंने कहा था फ्रीज में रख दूँगी, आधे से कहा था कि जब आप रात को इफ्तारी कर लोगी तो फिर मैं आपको गर्म करके दे दूँगी। तो ये थी हमारी तैयारी छोटी सी। अब डेली रोज़ा होता है तो कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ कि घर में ही बन जाए, तो उसमें ये है कि बरकत भी रहती है और पेट भी भरा रहता है। बाहर से ये है कि 100 रुपये में भी बंदा अगर कुछ मंगवाता है तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि ना ही पूछें। मसाला भी हमने डाल दिया, बन कबाब, बन कबाब की चटनी ये रही, बस अब हम लोग रोज़े का। माशाल्लाह, मैंने बोला ना कि इनका रोज़ा पहले खुलता है, फिर हमारा खुलता है। शहरों के साथ है, कराची के साथ नहीं है, ये है ना, है पता हूँ दूसरे शहरों के साथ है ना। बस गाइस अब हम लोग वेट कर रहे हैं रोज़े का, अब हम लोग बैठेंगे दुआएं मांगेंगे, फिर इंशाल्लाह भी बहुत जल्द रोज़ा खुलने वाला है। रोज़ेदार रोज़ा खोलते हुए गिरा रही है वो, अल्लाह मेरे सारे कपड़े गीले कर रही हो, छोड़ दो गंदी बच्ची। तो जनाब यहाँ पर लाइट का टाइम था जाने का, तो लाइट नहीं थी, और मगरिब की अजान आती है उस वक्त जो है वो लाइट आती है, तो इफ्तारी के वक्त जो है बिल्कुल अंधेरा था घर में, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो मैंने आज जैसे यही कहा कि अभी तो रमज़ान नहीं है, रमज़ान में अल्लाह ना करे ऐसा हो तो क्या होगा, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो फ़िलहाल 1 ही घंटा जा रही है लाइट, क्योंकि अभी जो है वो गर्मियाँ नहीं है, और जैसे ही अब गर्मियाँ जो है वो अगले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगी और मज़ीद, तो फिर उसके बाद जो है वो टाइमिंग भी लाइट की जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं और हादिया जो है वो इफ्तारी की तैयारी की थी हमने, और यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए बैठे हुए थे, हादिया जो है वो दुआएँ मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे आप याद दिलाएं क्या क्या दुआ मांगूं, तो मैंने कहा जो आपके दिल में आता है आप वो मांगें, मैंने कहा सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला कभी भी किसी को जो है वो तंगदस्ती जो है वो ना दे, और जान व माल से कभी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि अब ये ऐसी दुआ है कि मैं कहती हूँ कि हर वक्त मुँह पे अब तो ये रहनी ही चाहिए, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं ऐसी महंगाई में, तो इसमें तो मैं यही कहूँगी। और
रोज़ा जो है वो खुल गया था, और हादिया जो है वो बस सबसे पहले जो है ना उसको यही होता है कि बस पानी पी लूँ मैं, और मैं उसे यही कहती हूँ कि सिर्फ पानी मत पिया करो, कुछ खा भी लिया करो, लेकिन नहीं वो खाती बिल्कुल भी नहीं है और पहले बस पानी पीती रहती है। रमज़ान में भी वो खजूर वगैरह जो है वो नहीं खाती और पानी ही पीती रहती है। और यहाँ पर हया फातिमा बहुत तंग कर रही थी, बस उसका कहना ये था कि ऊपर बिठा दो। कौन सी आपकी फेवरेट है? मुझे पता था। आपकी बहुत फेवरेट है ना? ये मेरी है। है पता? कौन सी वाली आपकी फेवरेट है? कौन सी फेवरेट है आपकी? देखा? डेरी मिल्क। चेंज किया फिर भी डेरी मिल्क। हाँ, डेरी मिल्क फेवरेट है ना? लाओ मैं आपको खोल दूँ। ये मेरी है। नहीं। नहीं बोल। माँ बाबा कहाँ जा रहे हैं? बेटा बाबा जा रहे हैं मंगनी में। किसकी? बाबा जा रहे हैं अपने मामू के घर मंगनी में। तो आप जा रही हैं? बेटा मेरे मामू के घर नहीं है, बाबा के मामू के घर मंगनी है, बाबा जा रहे हैं। ओके। मेरे मामू के घर होती तो मैं जाती। यस, उसमें तो मैं भी चलती। क्या किया ये हया फातिमा ने? दिखाओ मुझे। हया फातिमा, व्हाट इज दिस? खड़ी खड़ी यहां पे डायरेक्ट था। दिखाओ हादिया। अल्लाह, ये मेरे जेल्स का था। ये ऐसे कोई तोड़ते हैं क्या? ये मेरा भी फेवरेट था। ये मुझे अनुष्का ने गिफ्ट करा था, मेरे जेल्स का था। इसको तो ना, इसको तो बांध दो। इसको ना बांधने की जरूरत है। इसको ना बांध दो, बांध दो इसको। यार मैं खड़े खड़े अभी मेरा वो भी तोड़ दिया।